हेलो एवरीवन, ये डाउट सेशन है हमारा और जिसमें जो हमारे ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टूडेंट ने सवाल पूछे थे तो उनका मैं जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली क्या है दोस्तों, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जो दूसरे जो यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं और उस वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ उन चीज़ों को बताऊंगा और आप उनके तरीके और हमारे तरीके दोनों में कंपेयर आप कर लोगे, क्योंकि एक्चुअली आज क्या हो गया है कि आजकल कोई भी यूट्यूब पे पढ़ाने लग गया है, चाहे उसको कॉन्सेप्ट आते हैं नहीं आते हैं, कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना कि कॉन्सेप्ट से पढ़ाना क्या होता है और विदाउट कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है उससे में क्या फ़र्क होता है, वो अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल था, सवाल मैं आपको बोल देता हूँ, ये पूछा है उमेश जांगिड ने पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ टॉप ऑफ बिल्डिंग, आफ्टर 1 सेकेंड अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर हाउ मच हाइट फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग सेकेंड स्टोन विल हिट द फर्स्ट स्टोन। तो कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो सरल हिंदी में मैं समझा देता हूँ कि क्या इसमें पूछने की कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग से हमने एक पत्थर फेंका, जो है ए पत्थर हमने फेंका, पहले हमने ए पत्थर फेंका, इसको थोड़ा मैं एक बिल्डिंग है और यहां से मैंने एक पत्थर जो है वो फेंका, ठीक है। अब वो पत्थर फेंका और वो पत्थर अब उसके एक सेकंड बाद ये पत्थर फेंक दिया, उसके एक सेकंड बाद मैंने इसी चट्टान से, इसी बिल्डिंग से मैंने एक और पत्थर फेंका जिसका नाम है बी, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि ये जो आपस में दोनों टकराएंगे और ये जो बी स्टोन है इसकी जो वेलोसिटी हमने क्या रखी है, 20 मीटर पर सेकंड से हमने इसको थ्रो किया है। तो ये आपस में टकराएंगे और टकराएंगे तो उसकी हाइट, मतलब कितनी गहराई के बाद में, मतलब एच गहराई के बाद में जब भी वो दोनों टकराएंगे तो वो हमको बताना है, ठीक है। तो ये समझो क्वेश्चन को, समझा आपने कि जैसे कि ये मेरे पास में एक है, ये मैंने एज ए फ्रीली छोड़ दिया, ठीक है, ये गिरा, फिर ये मैंने फ्रीली छोड़ दिया, ये गिरा, ठीक है। तो ये जो है ये आपके जब जब ये मतलब बेस में गिर जाएंगे उसके बाद ये गिरेगा, हवा में नहीं टकरा सकते क्योंकि हमने दोनों को फ्रीली छोड़ा है और एक समय के बाद छोड़ा है, तो कभी हवा में वो टकरा नहीं सकते, समझ में आ रही बात। पर अगर मैं एक को फ्रीली छोड़ रहा हूँ और दूसरे को मैं जो है एक सेकंड बाद छोड़ रहा हूँ, पर उसको मैं स्पीड दे के छोड़ रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे के छोड़ रहा हूँ, तो वो दोनों टकरा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके साथ में पहले वाले के साथ इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, दूसरे के साथ इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसको आप खुद एक बार विजुलाइज कर लीजिए, दो पत्थरों को आप एक छोड़ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे पत्थर को ऐसे छोड़ोगे तो कभी नहीं टकराएंगे। एक पत्थर को आप छोड़ो हवा में और उसके एक सेकेंड बाद एक पत्थर आप जो है फेंकोगे दूसरा पत्थर, तो आपको इस गति से उसको फेंकना होगा जिससे कि वो उसको उस पर हिट कर पाए, समझ में आ रही बात। तो ये बात है, तो इसमें सवाल में हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन आपने समझ लिया ना क्या कर रहे हैं अपन, तो इसको मैं इरेज कर दिया, मैं फिर से इसको कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, इसमें हम ये बात समझिए, इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है, जो हमने मैंने आपको पढ़ाया था, काफ़ी समझाया है, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर इतना समय लगा रहे हैं, एग्जाम टाइम में इतना समय नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने में आपको समय लगा रहा हूँ। अगर मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ तो इतना समय नहीं लगाता, पर एक बार आप भी एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप भी इतना समय नहीं लगाएंगे, पर मेन बात है कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से जब मैंने, आप ये बताओ कि जब मैंने एक सेकंड बाद छोड़ा तो ए यहाँ पर पहुँच गया मान लो, ठीक है, और बी यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से,
अब मुझको ये बताएं आप कि ये डिस्टेंस कितनी है, वो मुझको निकालना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो डिस्टेंस होगी जो ए ने कवर करी वो क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये एस क्या है, माइनस डी, क्योंकि नीचे की तरफ है। यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि हमने उसको फ्रीली छोड़ा है, तो ये जीरो हो गई। प्लस हाफ ए क्या है, माइनस जी, मतलब माइनस टेन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप टी की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड है, तो यहां से डी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, आपकी 5 मीटर आ गई। डी की वैल्यू हमको आ गई 5 मीटर आ गई। तो ये जो डी की वैल्यू रहेगी, ये 5 मीटर हमारी आ चुकी है। अब आप ये देखें कि इसने जो वेलोसिटी अटेंड कर ली यहाँ पे, मतलब एक सेकेंड बाद एक ही कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो वेलोसिटी से छोड़ा था, यहाँ पे एक कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगी। ये डिस्टेंस हमने निकाल दिया, 5 मीटर डिस्टेंस निकाला। वैसे शायद इसकी जरूरत हमको, हाँ होगी, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब इसको एक बार अप कर देता हूँ, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप जानते हैं। तो अब ये देखेंगे हम यहां पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। अब आप ये देखो कि वेलोसिटी यहां पे कितनी अटेंड कर ली a ने, तो वो है v इज इक्वल टू यू जीरो था, a आपका जो है माइनस a, a क्या है आपका 10, और एक सेकेंड बाद मतलब 1, यानी कि इसने माइनस 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेंड कर ली। माइनस मतलब वो नीचे की ओर जा रहा है। तो ये ए जो है कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। ये समझ में आया आपको बात। बी जो है 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, अब ए जो है 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हमको जो खास बात जो हमको आई सामने, वो ये बात निकल के आई कि दोनों के बीच एक सेकेंड बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर, और b की वेलोसिटी किससे छोड़ा अपन ने, 20 मीटर पर सेकेंड से। a की वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड हो गए। अब यहाँ पे हमने a की वेलोसिटी भी निकाली है और ये डिस्टेंस भी निकाला है। अब देखो इसमें मज़ा अब ये आएगा कि अब जो है, जो ये दोनों एक ही सिस्टम में है, मतलब अब ग्रेविटी ए पे भी लग रही है और बी पे भी अब ग्रेविटी लगना शुरू होगी क्योंकि हमने उसको छोड़ चुके हैं। तो सेम प्लेटफॉर्म है, सेम रेफरेंस है, तो क्या मैं अगर इसको सेम सिस्टम मानूं, ऐसा सिस्टम मानूं, ऐसी लिफ्ट है जिसमें वो जी से नीचे गिर रहे हैं दोनों, मतलब एक ही दोनों के सिस्टम है, तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उस रेफरेंस में वो जीरो हो गई, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए सेम चीज लागू हो रही है। अब ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि अब ए को मैं रोक दूं, ए को मैं रोक दूं, ए को मैं कैसे रोकूंगा कि ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, कहने का मतलब इसमें इसकी स्पीड में जोड़ दूं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैं तो अब देखो, अब जो हमारे सामने जो फिगर है वो ये है आपके सामने। अब जो हमारे पास में जो डेटा है उसको आप एक बार जो है समझें कि ये जो दूरी थी आपकी, ये है आपका b, ये बैठा है आपका a, और ये दूरी जो है आपकी कितनी है, 5 मीटर है, और इसकी वेलोसिटी 0 है, और इसकी 20 और इसकी 10 इधर है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसकी वेलोसिटी मैं 10 इसमें ले सकता हूँ। अब अगर मैं a को रोक रहा हूँ, अगर मैं a को रोक रहा हूँ, तो इस सिस्टम में मैं अगर b को छोड़ रहा हूँ 10 की स्पीड से, कोई एसिलेशन काम नहीं कर रहा, तो यहाँ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं। अब बताओ कि b a को कब, कितने समय बाद हिट करेगा, कब हिट करेगा, क्योंकि a तो रुका हुआ है, b चल रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी
और हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ए तो यहाँ पे है ही नहीं। अब एस इज इक्वल टू यू टी है, अब एस क्या है आपका 5 है, यू आपका 10 है और टाइम आपको निकालना है, तो टाइम आपका कितना हो गया यहाँ पे, हाफ आपका टाइम हो गया, ठीक है। तो हाफ आपका क्या आ गया, हाफ आपका टाइम आ गया। अब इससे मैं इन सब बातों से मैं क्या समझाऊँ इसको, मैं और इसको सही कर दूँ मैं, तो अब यानी कि ये इसको मैं ऐसे ले लूँ कि मैंने B है ये, A है ये, ठीक है। अब ये 5 आपके जो है यहाँ तक आने में इसको जो है लगा 1 सेकेंड बाद मैंने B को छोड़ा है। अब मैं एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले सिस्टम में हूँ मैं, ठीक है, उसको कंसिडर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझको एक्चुअल अब जो है डिस्टेंस निकालनी है। तो 1 सेकेंड ये है, 1 सेकेंड बाद मैंने बी को छोड़ा है। अब इस सिस्टम में मैं बात कर रहा हूँ मैं, और इसके बाद में वो हिट करने में कितना समय ले रहे हैं, हमने देखा था वो हाफ सेकेंड समय और ले रहे हैं। तो टोटल जो हिट करने का समय, मतलब जब मैंने बी को ए को छोड़ा, उसके 3/2 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड प्लस हाफ सेकेंड कितना हो गया आपका, 3/2 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे एच मैं ए को कंसिडर कर रहा हूँ, ए के मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ, एच इज इक्वल टू क्या है मेरा, यू टी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और हाफ ए जी क्या है आपका -10 और एच माइनस है और टाइम क्या है 3/2 यानी कि 9/4, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 90/8 हो गया। तो ये इसको अपन डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 10 है, फिर 1 आ गया, फिर 20 है, फिर 2 आ गया और फिर 5 आ गया। तो 11.25 जो है इस मीटर, ये आंसर इसका आ गया। तो ये मैं आपको पूरा समझाया इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैं आपको एक बार फिर से इस चीज़ को पूरा इसको कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमने क्या सोचा, इसमें हमने सोचा कि रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा लगाएंगे जिससे कि सारी इक्वेशन जो है इसमें जरूरत ना पड़े, ये हमने सोचा। फिर हमने क्या सोचा कि रिलेटिव वेलोसिटी तब मैं लगाऊंगा जब दोनों मोशन में होंगे, अब बी तो रुका हुआ है उस समय तो मैं नहीं लगा रहा, ठीक है। तो मैंने क्या बी को छोड़ा, जब मैंने उस समय तक की डिस्टेंस निकाल ली, मैंने जब मैंने 5 मीटर डिस्टेंस निकाल ली, ये बी था, ये ए यहाँ पे पहुँचा था, अब मैंने 1 सेकेंड का टाइम था, ठीक है। तो मैंने वो जो डिस्टेंस थी 5 मीटर वो मैंने निकाल ली, और उसके बाद क्या हो रहा था, बी जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और अब ए की भी कुछ स्पीड हो चुकी थी, वो क्या हो चुकी थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड नीचे से जा रहा था। अब मैंने बोला कि दोनों की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर ये इसको टकराएगा तो तब टकराएगा, अगर मैं इसको रोक देता हूँ, सेम एसिलेशन इसमें भी लग रहा है, सेम एसिलेशन इसमें भी लग रहा है, तो वो जो जी वाली चीज़ है उसको आप दोनों में नेगेटिव जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो नए सिस्टम में क्या बोल सकता हूँ कि इसकी स्पीड 0 करता हूँ तो इसकी स्पीड 10 हो गई। तो यानी कि ये जब इसको टकराएगा यहाँ पर, तो जो मैं टाइम मैं निकालूंगा वो एस इज इक्वल टू यू टी से निकालूंगा। अब डिस्टेंस है 5 और यू आपकी जो वेलोसिटी है 10 है इधर नीचे की तरफ और टाइम, तो टाइम मैंने निकाल दिया, टाइम कितना आ गया मेरा, हाफ आ गया। अब इससे मैं क्या सीखा कि मैंने ए को जब छोड़ा तो 1 सेकेंड और आधा सेकेंड उसको लगता है टकराने में, ये मैंने जाना, मतलब 1.5 सेकेंड लगता है। अब मैं इसको एच इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि फ्रीली छोड़ा था ए, तो यू टी तो 0 हो गया, हाफ इंटू 10 इंटू 3/2 यानी कि 9/4, और इस प्रकार से मैंने सवाल को सॉल्व करके मैं अपने आंसर पर पहुंच गया। तो एक बार इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो, और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट है अपने स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले सवालों में भी काम आता है। तो ये फिजिक्स का सवाल है, एक अच्छा सवाल है, कैसे हमने सॉल्व किया, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।